आज के डेट में देखो कि तुम लोगों सबको भाई म्यूजिक बनाना है सबको अपना म्यूजिक बनाना है ये करना वो करना है किसी किसी को मतलब तो बीट्स बनाने का भी बहुत शौक चल रहा है अभी बहुत लोगों की बीट्स बनाना है भाई मेरे को बीट्स बनाना है मेरे को रैप सॉन्ग बनाना है ये बनाना है वो बनाना है तो म्यूजिक का सीन उतना ईजी नहीं है आ, मैं पहले ही सिर्फ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो अगर बिना बिना सीख के तुम कुछ करोगे तो वो उसका वही आउटपुट वही आएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने आ, क्लास वन का कुछ क्लास नहीं किया तुमने टेंथ क्लास का एग्जाम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करना बहुत जरूरी है बहुत पेशेंस रखना जरूरी है तो मैं बहुत ही लाइक ऑन पॉइंट मैं वीडियो बनाऊंगा जो सीरीज टाइप का बनेगा वीडियो तो बहुत ही इजी वे में करूँगा एंड यहाँ पे एक मैंने शीट बनाया जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं दिखाने वाला हूँ इस सीरीज टाइप वीडियोस में तो जहाँ पे तुम लोगों को म्यूजिक प्रोडक्शन एंड साउंड दोनों का एक कंपैरिजन दिखाऊंगा एंड दोनों को स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा वीडियो में तुम लोगों को समझाऊंगा जितना हो सके मेरे से एंड बेसिक्स अगर तुम लोग क्लियर हो जाए तो एटलीस्ट तुम लोगों का तुम लो जितना भी बेसिक डाउट्स है वो वाला चीज क्लियर हो जाएगा इनिशियल डेज में मेरा जैसे कि मेरे को कुछ मालूम नहीं था तो मैंने खुद से प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 2010 11 का बात चल रहा है तो वो बना नहीं वैसा ही टट्टी बन रहा था कुछ हो नहीं रहा था तो मैंने डीजिंग स्टार्ट किया डीजिंग सोज वोस किया एंड उसके बाद में 2014 में फोर्टीन कोलका में कोलकाता में ही कोलकाता में नहीं मैंने एक प्राइवेट स्टूडियो ज्वाइन किया तो वहाँ से मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन का क्लास किया एंड उसमें साउंड इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड था म्यूजिक प्रोडक्शन की म्यूजिक प्रोडक्शन की क्लास दिया था लेकिन मैं खुद से लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन में ही सीखा एक कंपैरिजन बना रहा क्या क्या म्यूजिक प्रोडक्शन में आता है और क्या क्या साउंड इंजीनियरिंग में आता है म्यूजिक प्रोडक्शन एंड साउंडिंग में थोड़ा सा फर्क है वो मैं दिखाने वाला हूँ अभी तो जैसे की देख पा रहे मैंने यहाँ पे एक शीट बनाया है देर इज टू स्ट्रीम्स इन म्यूजिक थियरी तो म्यूजिक थियोरी के अंदर दो स्ट्रीम्स है एंड जैसे कि देख पा रहे हो एक म्यूजिक तो प्रोडक्शन लिखा हो एक साउंडिंग दो अलग अलग पार्ट है म्यूजिक प्रोडक्शन में अभी मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या आता है साउंड में क्या क्या आता है तो नेक्स्ट सीट में अगर चले तो म्यूजिक प्रोडक्शन में सबसे पहले जो स्टेप आता है वो म्यूजिक थ्योरी तो पहले लाइक क्लास वन का तुम लोग अगर क्लास करोगे तो एब सी सी डी जैसे सीखना होगा सेम म्यूजिक थ्योरी में वैसे सीखना होगा तो म्यूजिक थ्योरी के अंदर तो बहुत कुछ आता है अगर वो क्लियर नहीं है तो म्यूजिक कैसे बनाओगे ऐसा टाइप का कहीं में कहीं से इधर उधर से तुम लोग जुगाड़ करके एक बना दिए कोई गाना कोई कुछ ठीक है लेकिन वो बहुत गलतियाँ उसके अंदर से निकलेगा ठीक है तो अगर तुम लोगों को ये सब चीज़ पता होगा तो वो गलतियां नहीं होगा इजी साउंड इंजीनियरिंग में जैसे कि देखते हो इंजीनियरिंग लिखा हुआ है तो इसमें इंजीनियरिंग है सच में इंजीनियरिंग है एंड इसमें साइंस है तो इसमें अगर डिटेल में साउंड इंजीनियरिंग में जाए पूरा ही साइंस है जैसे कि कैसे इलेक्ट्रिक कैसे फ्लो होता है एंड वेव एनर्जी क्या है साउंड क्या है ऑडियो क्या है बहुत सारा चीज़ है बहुत डिटेल्ड है तो तुम लोग को मज़ा नहीं आएगा एंड मैं उतना डिटेल में जाऊँगा नहीं जितना जरूरत है उतना ही मैं दिखाऊँगा एंड नेक्स्ट सीट में, में जाए तो सेकेंड सीट पर आ गए सेकेंड सीट पर लिखा हुआ है बी पी एम बिट्स पर मिनट मतलब गाना कि कितना स्पीड का है जैसे कि कोई लव सॉन्ग हो गया वो हो गया थोड़ा uh, कम बी पी एम का कम बीट्स पर मिनट का एंड कोई फास्ट गाना हो गया वही डांस नंबर हो गया वो थोड़ा ज़्यादा बी का होता है तो ये गाने का स्पीड मेजर करता है बी से एंड फ्रीक्वेंसी साउंडिंग में ये फ्रीक्वेंसी आता है जैसे कि बेस बेस आता है लो फ्रीक्वेंसीज में एंड कोई सा भी वोकल रेंज वो मिड फ्रीक्वेंसीज में आता है हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोगों का जितना भी Uh, कोई सा भी बेल बेल साउंड एंड uh, कोई सा भी हाई हेट का साउंड तो वो आता है हाई फ्रिक्वेंसीज में तो वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में ये सब जितना भी पॉइंट्स हम लोग देख रहे हो मैं थोड़ा बहुत डिटेल में जाऊंगा हर वीडियो में आगे जितना वीडियोस आएगा एंड उसके बाद आता है कि म्यूज़िक प्रोडक्शन में तुम लोग तो म्यूज़िक थ्योरी सीख गए एंड एक स्पीड भी पता चल गया कि बी कितना क्या होता है एक स्पीड में गाना बनता है एंड उसके बाद आता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग तो कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे बजाए या कैसे क्या क्या होता है वो भी म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर आता है ठीक है उसके साथ साउंड का और एक चीज़ आता है वो है कि रिकॉर्डिंग तुम लोग इंस्ट्रूमेंट तो प्ले कर लिए लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे तो रिकॉर्डिंग वाला चीज आता है साउंड इंग में जैसे देख पा रहे हो कि बहुत सिमिलर टाइप का चीज़ है लेकिन दो अलग अलग सीन में आता है अभी क्या सीन है कि जितना भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जो लोग अपने लिए खुद के लिए बना, गाना बना, रै, रैप सॉन्ग या बीट्स बनाते कुछ भी आ, तो वो लो, वो लोग लोग जैसे कि सब कुछ खुद कर रहे हैं अभी लेकिन ये जब चीज़ है ये सब चीज पहले होता था एंड ये लाइक एनालॉग सीन एनालॉग एंड बेसिक्स सीन है पहले जैसे कि कोई एक जन इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था एंड उसका कोई एक साउंड इंजीनियर और रिकॉर्ड करता था तो एक्चुअली ये सब बेसिक्स अगर एकदम तो बेसिक्स अगर तुम तो लोग को समझ आएगा ना तो स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा एंड ऐसे ऐसे लाइक मेरे को भी नहीं सिखाया था तो मैं ये अपने से एक चार्ट टाइप का बनाया तुम लोग डिफरेंस डिफ्रेंशिएट कर पाए कि क्या क्या किसमें किस में क्या क्या आता है यहाँ पे और एक शीट पे आ गए तो ये शीट पे जैसे देख पा बीट मेकिंग म्यूजिक प्रोडक्शन में आता है ऑब्वियसली म्यूजिक प्रोडक्शन में बीट मेकिंग आएगा तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लिए लेकिन उसका ड्रामिंग पार्ट एंड बीट्स वो कैसे बनाना है वो आता है म्यूजिक प्रोडक्शन में उसको इफेक्ट साउंडिंग में इफेक्ट्स आता है क्यों क्योंकि ये जो बीट्स हमने बनाया अभी उसको प्रोसेस करना होता है इफेक्ट्स है किसी में मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा रिवर्व डाल दिया कोई इंस्ट्रूमेंट में कुछ कंप्रेस किया तो कोई ड्रम्स uh, को कुछ कंप्रेस किया तो ये आता है इफेक्ट्स में एंड वो आता है इन साउंड इंजीनियरिंग सेक्शन एंड म्यूजिक प्रोडक्शन में अरेंजिंग आता है एंड मैं अरेंजिंग को अरेंजिंग में भी साउंडिंग में जा सकता है लेकिन मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में ही रखा क्योंकि अभी का टाइम में सब लोग तो भाई सब कुछ खुद ही कर रहे हैं अरेंजिंग भी अपना गाना तो खुद ही कर लेगा ठीक है वो तो अभी सब ही कर रहा है अरेंजिंग अगर तुम लोग को पता नहीं तो अरेंजिंग होता है कि मेन जो इंस्ट्रूमेंट तुम लोग रिकॉर्ड कर लिए तो उसको अरेंज करना होगा कि कहाँ मेरा गिटार बजेगा कहाँ पर मेरा बेस बजेगा बेस ड्रम्स कहाँ कहाँ पे कहाँ पे क्या बजेगा कहाँ पे वोकल बजेगा तो उसको अरेंज करना होता है पूरा गाने को दो मिनट का जो गाना होता है उसको अरेंज करना पड़ता है तो अरेंजिंग में म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर ही रखा एंड अरेंजिंग के साथ आता है कि साउंड इंजीनियरिंग के अंदर मिक्सिंग मिक्सिंग मतलब एक गाने में गाना तो अरेंज हो गया ठीक है एक दो मिनट का गाना तीन मिनट का गाना बन गया लेकिन वोकल को ड्रम्स को सब एक साथ जब सुनोगे सब तो कुछ क्लैश कर जाएगा ठीक है एक साथ तो क्लैश ना करे सही से सुनाई दे सब कुछ जितना भी इंस्ट्रूमेंट एक साथ गाने का तो उसको हम लोग मिक्सिंग करना पड़ता है मिक्सिंग मतलब उसके अंदर आ गया गेंद स्टेजिंग प्लेसमेंट हो गया कहाँ पे कौन सा साउंड कैसे कहाँ पे प्लेस करना है बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्सिंग के अंदर तो उसको प्रॉपरली किसको कितना लाउडनेस देना है वो मिक्सिंग के अंदर आता है उसके बाद हो गया तुम लोग का अरेंजिंग एंड मिक्सिंग मिक्सिंग भी हो गया अरेंजमेंट भी हो गया एंड लास्ट लास्ट में जो शीट है उसमें लिखा है लिरिक्स एंड यहाँ पे लिखा है मास्टरिंग एंड डिजिंग ये बोनस है मैं बता रहा हूँ डिजिंग के बारे में तो लिरिक्स गाना तो बन गया तुम लोग को म्यूज़िक पूरा रेडी है अभी तुम लोग को लिरिक्स लिखना है उसके ऊपर अगर कोई रैपर है कोई है कुछ है ये सब चीज़ म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर आता है साउंड इंजियन के अंदर मैंने मास्टरिंग क्यों रखा मास्टिंग ऐसा प्रोसेस है क्योंकि तो सबसे लास्ट में होता है एंड वो होता है कि मान लो कि फाइनल पैकेजिंग कोई सा एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ एंड फाइनल जो पैकेजिंग होता है पैकेजिंग होने के बाद जो कस्टमर के पास जाता है तो वो गया मास्टरिंग वो फाइनल टचअप है तो वो उसके बाद वो प्रोडक्ट पूरा पूरा रेडी है तो उसको हम लोग मास्टरिंग बोलते हैं एंड मिक्सिंग मास्टरिंग सब कुछ मिला देता है लोग मतलब अभी आज का डेट में बहुत जब बहुत लोग मिला देता है तो थोड़ा अलग है मिक्सिंग मतलब लंबा प्रोसेस है मिक्सिंग मास्टरिंग थोड़ा सा कम टाइम लगता है लेकिन उसमें भी उसमें भी मतलब परफेक्शन बहुत चाहिए मतलब सुनने के बाद मास्टरिंग होता है एंड बोनस uh, जो तुम लोगों बोला डिजिंग तो डीजिंग में लाइक like, अगर तुम लोग इतना कुछ सीख जाओगे ना तो डीजिंग कुछ है ही नहीं ये चीज़ कुछ है ही नहीं मैंने देखो मैंने uh, 2014 से डीजिंग किया है एंड डीजिंग में लिटरली कुछ है नहीं अगर तुम लोग इतना कुछ सीख जाओगे बेसिक इफेक्ट्स यूज होता है इफेक्ट्स यूज होगा एंड ये मिक्सिंग वाला पार्ट से थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट यूज होगा एंड ये कुछ और कुछ नहीं एंड तुम लोग को थोड़ा सा म्यूजिक का नॉलेज चाहिए बाकी बहुत ही छोटा छोटा प्रोसेस है मतलब तो जो साउंडिंग है इंजीनियर है उन लोग के उन लोगों के पास ये तो बहुत ही छोटा चीज है लेकिन म्यूजिक का नॉलेज होना भी जरूरी है म्यूजिक डिजेइंग में क्योंकि उसमें म्यूजिक नॉलेज रखना चाहिए कि कौन सा गाने के बाद क्या बजेगा मेनली वही सीन वही है को क्राउड को एनालाइज करना होता है और कुछ नहीं तो डिजेइंग के लेके भी तुम लोग इंटरेस्ट हो उसका भी एक वीडियो बनेगा लेकिन मेन मेन पॉइंट ये है पॉइंट है छ पॉइंट मेन मेन है एंड मैं देखता हूँ कि जितना हो सके एक एक करके मैं वीडियोस बनाऊंगा एक बार साउंड का एक बार म्यूजिक प्रोडक्शन का ऐसे 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 वीडियोज़ बनाऊँगा तो तुम लोगों को जितना हो सके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की मैं कोशिश करूँगा एंड मतलब सीख के करने के बाद तुम लोगों को अलग ही मजा आता है एंड सीखने से ये भी मेरे को पता है कि बहुत लोग सीखने सीखने से कोई मतलब नहीं है बनाना है तो वो गलती कर रहा है उन लोग वो सीरियस नहीं है अगर कोई सीरियस है तभी फॉलो step step करो ऐसा कैजुअली करना है तो कर सकते हो कुछ भी करो कोई बात नहीं लेकिन अगर कोई सा भी चीज़ सीरियस लेना है तो देख सकते हो वीडियो एक के बाद एक मैं डालता रहूँगा एंड बाकी कमेंट में बताना कमेंट लाइक करो शेयर करो आ, तुम लोगों को समझ में आए कुछ या नहीं किस को इंटरेस्ट है म्यूजिक में प्रोडक्शन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड बाकी इसका डेली डेली में डालने का कोशिश करूंगा वीडियोज ये सब टॉपिक्स में लाइक like, बहुत ही लंबा प्रोसेस है अगर ये सब चीज़ एक एक स्टेप में जैसे जैसे छोटा छोटा करके दिखा ना ये लाइक अगर मैं ऐसे एक ओवर भी दे देता हूँ अगर कोई साउंड इंजीनियरिंग सीखने जाता है आज के दिन में अगर प्रोफेशनल के कोई साउंड इंजीनियरिंग कॉलेज से सीखने जाता है वो एक साल से तीन साल के बीच में कोर्स होता है एंड बहुत लाखों का वो खर्चा होता है एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन उससे थोड़ा कम कम कंज्यूम करता है थोड़ा सा लेकिन फिर भी ये ये भी बहुत कॉस्टली होता है कोई सा भी तुम इंस्ट्रूमेंट सीखने जाओगे मतलब एक हो गया तो कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना वो चलो हो गया थोड़ा कम टाइम में एक दो साल में तुम लोग ठीक हो जाएगा अभी उसके अंदर आ जा आ जाता है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जहाँ पे एक डॉ के बारे में समझाता है डॉ में कैसे म्यूजिक अरेंज करते हैं वो सब सिखाता है तो ये बहुत सारा लंबा प्रोसेस है तुम लोगों को मैं जितना हो सके मैं बेसिक ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि अगर तुम लोग ये सब चीज़ समझ जाओगे तो लाइक लाइफ टाइम तुम लोगों के पास रह जाएगा ऐसा टाइप का एकदम दिमाग में घुस जाएगा तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को समझ में आया क्या नहीं कंटिन्यू क्या डालूँ या ना डालू एंड जो लोग तुम लोग अगर कोई फ्रेंड होगा जो लोग म्यूजिक प्रोडक्शन में है या कुछ म्यूजिक बना रहा है तो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो कि थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाए क्योंकि सीन है कि यूट्यूब में बहुत सारा बहुत सारा वीडियोस है है ये सब चीज़ लेकिन कोई लाइक स्टेप बाय स्टेप सिखा नहीं रहा है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा तो भाई वो मतलब बहुत डिटेल में बनाना होगा तो यूट्यूब में देखो बहुत सारा ऐसे वीडियोस है लेकिन स्टेप बाय स्टेप है नहीं बिना स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखे हुए तुम लोग नहीं समझोगे तो मैं जितना हो सके स्टेप बाई स्टेप बनाऊँगा एंड मैं इसका प्ले भी बना दूँगा जहाँ पर तुम लोग बाद में भी देख सकते हो तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं Bye bye, thank you for watching.